उन्होंने हमें पढ़ के इस तरह रख दिया जैसे लोग पुराने अखबार को रख देते हैं। जो हासिल नहीं होती है बस वही याद रह जाती है, बाकी देती तो बहुत कुछ है जिंदगी। एक दिन खुद की तलाशी ले ली, जो भी मिली वो अपनी थी लेकिन अपनी नहीं लगी। मैंने हिसाब में रहने वाले लोगों को बेहिसाब होते देखा है, मैंने लोगों को बदलते नहीं बेनकाब होते देखा है। हालातों ने जो चैप्टर सिखाया है उसके एक एक शब्द याद रहते हैं। सक्सेसफुल बनना है तो अलर्ट रहिए, दुनिया आपको स्मार्ट बना देगी। कुछ ऐसे भी हैं जो इशारों से दूसरों के विचारों को दबा देते हैं। आजकल लोग कॉल करना भूल जाते हैं लेकिन हिसाब लगाना नहीं भूलते। कल रात जिंदगी मेरे सपने में आई थी और कहा कब तक चलेगा किसी और के पीछे, अब खुद के पीछे चल, रास्ता सही होना चाहिए क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्ते में मिल जाती है। आजकल सब आई कहते रहते हैं वक्त नहीं मिलता मुझे, समझ नहीं आता बिजी वक्त हो गया है, याद नहीं, बस बातें अपने जैसे करते हैं, बाकी पराए सब क्रोध और आंधी दोनों बराबर होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। जुबान से माफ़ करने में वक्त नहीं लगता लेकिन दिल से माफ़ करने में उम्र बीत जाती है। किसी के छोड़ जाने पर उसका अफसोस नहीं करना चाहिए क्योंकि गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि अच्छे लोग हमारी ज़िंदगी में आ सके। सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। अपने सपनों को पूरा करने में इतना व्यस्त हो जाओ कि जिंदगी में उदास होने का वक्त ही ना मिले। जो कुछ तुम्हें कमजोर बनाता है शारीरिक बौद्धिक या फिर मानसिक उसे जहर की तरह त्याग दो। दवा जेब में नहीं परंतु शरीर में जाए तो असर होता है। वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में नहीं बल्कि हृदय में उतरे तो जीवन सफल होता है। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती कमाई जाती है। आंखें केवल दृष्टि प्रदान करती है परंतु हम यहाँ क्या देखते हैं ये हमारे मन की भावना पर निर्भर करती है।